बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूजफुल साबित होगा। द टुडेज लेक्चर इज अगेन फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6 एंड इट्स आवर 6th लेक्चर फ्रॉम चैप्टर 3। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोसेस रेस्पिरेशन एंड देन वी विल कंपेयर बोथ प्रोसेसेस। यू माइट हैव नोन दैट रेस्पिरेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The one thing required in the photosynthesis is the product of respiration. There are many other aspects which are different in both processes. First of all, we'll understand the process and then we'll compare the both. The SLO that will be achieved through this lecture is explain the importance and process of photorespiration plant. So, we have two objectives to achieve through this lecture. First one is to explain the process and the other one is to explain the importance, highlight the importance of respiration. We'll seek the help of our textbook at page 36 and page 37 under the heading of topic 3.7, that is respiration in plants. And then we'll go through the importance of the process. So what the respiration actually is? Every student of you knows that we need energy to do our work. Animals and humans get this energy from food they intake. The food for plants is prepared through the process of photosynthesis. So how this food is converted into energy? It's a long process known as respiration. In this process, the high energy molecule, that is glucose, is broken down with the help of oxygen, taken in either from the oxygen produced as a result of photosynthesis or by the environment. When this glucose breaks down, energy is generated in the form of ATP. ATP is the form of energy produced in living organisms. Its full form is adenosine triphosphate. Along with ATP, two byproducts are required. Byproducts mean these products are not the target products, not the required products, but they form as a result of the reaction. First one is carbon dioxide and the other one is water. So this is the whole process of respiration. Keep it in mind that this glucose comes from photosynthesis. अगर आपको अपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद हो तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट साइड पे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट होते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के प्लांट में आने के दो रास्ते हैं। या तो इसको फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वहाँ से ले लिया जाए, या फिर रात के वक्त जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा उसे रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी एनवायरनमेंट में से। एक बात याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो सिर्फ डे टाइम में हो सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड है। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो डे एंड नाइट दोनों टाइम्स पे होता है। डे टाइम पर जो रेस्पिरेशन होती है वहां उसमें जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो फोटोसिंथेसिस से आएगी, और जो नाइट टाइम में
रेस्पिरेशन होगी उसके लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आएगी और रूट्स इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। अब चूंकि रात के वक्त ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जा रही है प्लांट्स की तरफ से, सो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब की जा रही है लेकिन इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की तरफ से रिलीज की जा रही है एनवायरनमेंट में। सो क्या होगा कि प्लांट जो रात के वक्त जो प्लांट रिस्पायर करते हैं उनके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि रात के वक्त प्लांट्स के नीचे दरख्तों के नीचे सोने से मना किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स रात के वक्त जब रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि यूजली जब डे टाइम में वो रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है। सो आप भी एहतियात कीजिए कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे ना सोया जाए। रीज़न अब आपको मालूम हो गई है। अब हम इन डिटेल देखते हैं कि ये ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है स्टेप बाय स्टेप एटीपी में। रेस्पिरेशन के मेनली दो प्रोसेस हैं, दो स्टेप में होती है रेस्पिरेशन। पहले स्टेप में ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस से आएगी, ये कन्वर्ट होगी, ये ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपके पास आएगी इसका ब्रेकडाउन होगा एक और प्रोसेस में जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इस ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में ये ग्लूकोज एक रिलेटिवली स्मॉलर कंपाउंड में चेंज हो जाएगी जिसे पाइरूविक एसिड कहते हैं। अब ये स्मॉलर कंपाउंड इसलिए है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन थी जबकि पाइरूविक एसिड में 3 कार्बन बनेंगी हमारे पास। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, इस पूरे स्टेप में कहीं भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही और ये सारा स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा। पाइरूविक एसिड के बाद हमारे पास एटीपी जनरेट होंगी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एटीपी वही एनर्जी करेंसी है या फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस की जाती है। ये ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप था। पाइरूविक एसिड के बाद जब पाइरूविक एसिड प्रोड्यूस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी इन द एटमॉस्फेयर। पाइरूविक एसिड अब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। याद रखिए रेस्पिरेशन के जो दो स्टेप हैं उनमें पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा और दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इट्स अ चेन ऑफ रिएक्शन, मतलब एक के बाद दूसरा रिएक्शन, दूसरे के बाद तीसरा रिएक्शन, तीसरे के बाद चौथा रिएक्शन। इस क्रेब्स साइकिल के नतीजे में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एटीपी जनरेट होगी हमारे पास। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक और प्रोसेस जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं में इंटर हो जाएंगे। और साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी। यहाँ से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एज ए रिजल्ट ऑफ एटीपी जनरेट होगी। ये दो स्टेप हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के और अल्टीमेट रिजल्ट इन दोनों स्टेप्स का यही है, एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब अगर इस प्रोसेस को हम डिवाइड करें दो सेक्शंस में, एक वो जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और दूसरा वो जो माइटोकॉन्ड्रिया में है। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है उसमें कोई भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, सो हम कहेंगे कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये तमाम प्रोसेस जो कि साइटोप्लाज्म में होगा रेस्पिरेशन का, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पाइरूविक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन जो प्रोसेस जो स्टेप
माइटोकॉन्ड्रिया में होगा उसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक मीन दैट डू नॉट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। सो रेस्पिरेशन की ये दो टाइप्स हैं, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म व्हेयरएज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन की तरफ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या प्राइम इंपॉर्टेंस रेस्पिरेशन की ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खा वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, तमाम के तमाम रेस्पायर करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन साइड देयर बॉडी। सो इट इज़ द ओनली सोर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द अदर मेजर पॉइंट इज इट्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस when it takes place during night time. Third important point respiration का, respiration process का हमने ये था कि respiration process चूँकि दो type में होता है, दो steps में होता है, एक में energy required है और एक में energy required नहीं है, तो बहुत से ऐसे organisms हैं जैसा कि bacteria जिन्हें ज़्यादा energy की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा वो anaerobically अपने लिए energy produce करते हैं। वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस कर सकते हैं और क्योंकि उनके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया या तो प्रेजेंट ही नहीं होते या फिर फंक्शनिंग नहीं करते प्रॉपरली, सो उनके लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब हमें अपने तमाम कामों के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, सोचने, समझने, सुनने, बोलने, इवन आई की ब्लिंकिंग के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये तमाम की तमाम एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें मिलती है, यानी ऑक्सीजन के थ्रू हमें मिलती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। सम ऑफ द एनर्जी इज आल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय रेस्पिरेशन। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी की कुछ फॉर्म एज ए हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब ये हीट कॉन्ट्रीब्यूट करती है ह्यूमन बॉडी को वार्म रखने के लिए। दिस हीट एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द बॉडी ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो सम हाउ इस हीट की वजह से भी मेनटेन रहता है। सो आपने देखा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है। अब आइए अपने होमवर्क की तरफ। सबसे पहले टेस्ट एक्सरसाइज 2 है पेज 39 पे। पार्ट ए है टेस्ट एक्सरसाइज का के फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। You are provided with one statement. You have to analyze it and then find out the correct option from the given four options. If you have go through the lecture attentively, so you can find out the answer very easily. From test exercise 2, you will solve question number 4. Respiration is important for plants because it provides energy to plants, oxygen to plants, it provides energy. It releases carbon dioxide, all of these, the above. अब इनमें से कौन सा बेनिफिट है प्लांट्स को रेस्पिरेशन से, वो आपने फाइंड करना है और उसका सर्कल फिल करना है। पार्ट बी देखिए, इसमें से आप क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को भी हमने पढ़ा, डिफाइन किया आपके सामने डायग्राम के थ्रू। सो आप इसे, हमने डायग्राम के थ्रू इसे समझा था, आप इसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3 है वेयर डज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर। रेस्पिरेशन का प्रोसेस दो जगहों पे होता है, आपने वो बताना है, हो सके तो ड्रॉ कर लीजिए या अपने वर्ड्स में ब्रीफली डिस्क्राइब कर दीजिए। इसके बाद आती है रिव्यू एक्सरसाइज जो कि पेज 40 पे आपको मिलेगी अपनी टेक्स्ट बुक में। नंबर 10th क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इन विच प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो ये किस प्रोसेस में होता है, क्या ये फोटोसिंथेसिस में होता है, ब्रीदिंग में होता है, रेस्पिरेशन में होता है या फर्मेंटेशन में। जो भी राइट आंसर होगा आप उसका सर्कल फिल करेंगे। इसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी में से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 विच डिमांड्स द एलैबोरेशन ऑफ
इम्पोर्टेंस एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यही सब कुछ अभी हमने स्टडी किया है, आप इसे पढ़ेंगे और अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। अब आइए अपने समर पैक की तरफ। समर पैक में आप पेज 34 ओपन करें। इस 34 पेज से आप क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन द सेल। कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन सेल के किस हिस्से में होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर ए और बी दोनों में? क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा और फिर उसको आंसर कीजिएगा और फिर उसकी रीजन भी बताइएगा कि ऐसा कैसे है, या उस प्रोसेस का नाम लिख दीजिएगा जिसके थ्रू ये ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डू बैक्टीरिया यूज टू लिव स्टे अलाइव। अब बैक्टीरिया चूंकि बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्हें ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं होती और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो ये अपने लिए एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट करते हैं? क्या वो रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन है, ऑस्मोसिस है, या फिर फोटोसिंथेसिस है? तो आप राइट आंसर को मार्क करेंगे और फिर उसकी रीजन बताएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी फ्रॉम थिंकिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और फर्मेंटेशन। चारों प्रोसेस के बारे में आप जानते हैं, सो जो भी राइट आंसर है फाइंड करने के बाद उसकी रीजन दीजिएगा। अब आइए समर पैक में पेज 36 पे, और यहाँ पे आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे अपने एसएलओ से रिलेटेड। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, व्हाई डू पीपल स्लीपिंग अंडर ट्रीज फील सफोकेशन ड्यूरिंग नाइट। इसका आंसर हमने इन डिटेल स्टडी किया है अपने लेक्चर में, अगर आपने लेक्चर गौर से सुना है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर नहीं सुना तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुनिए ताकि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों टाइप्स हैं रेस्पिरेशन की, दोनों आपने पढ़ी हैं, इनकी लोकेशन भी देखी है, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी है, सो आप इन दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फिर आप पेज 37 पे आएंगे तो आप यहाँ क्वेश्चन 313 सॉल्व करेंगे, राइट डाउन एनी टू पॉइंट्स विच यू थिंक कैन बेटर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। आपने रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस पढ़ी, इनमें से जो दो प्राइम पॉइंट्स हैं, प्राइम इम्पोर्टेंस है रेस्पिरेशन की, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को आप अपने टेक्स्ट बुक में भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आप उसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये भी, इसका आंसर भी हमने डिस्कस किया है, सो आप इसे भी एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स में। Why are carbohydrates considered as respiratory product is question number 17. आपने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करते हैं और वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज है और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सो कार्बोहाइड्रेट को रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है, क्यों? बहुत सिंपल सा आंसर है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत सिंपल है, ईजी है, आप इसे ईजी लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।